हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टेबल मैट डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर और आसान डिजाइन बताऊंगी। तो इसके लिए 5 चेन से स्टार्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 सर्कल बनाना है फर्स्ट वाली चेन में डाल के, इस तरह से 5 चेन लेनी है। 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया का धागा और सर्कल में डाल के ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 3 चेन लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव हो गए। सिक्स सेवन एट, इस तरह से इसके 8 पार्ट हो जाएंगे। ये वाले बॉक्सेस जो हैं ये भी 8 हो जाएंगे और ये ट्रिपल क्रोशिए में। और अगर आप लोग 2 चेन लेना चाहें बीच में तो 2 चेन भी ले सकते हैं, बस ये सर्कल सही बनना चाहिए, यूं इकट्ठा नहीं हो। इस तरह से लेके बांध लेना, ये इसके बराबर ही हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये कलर हमें इतना ही बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगा। अब व्हाइट कलर यूज करेंगे। कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं व्हाइट कलर की, तो इस तरह से करनी है। चार चेन लेंगे, चार चेन लेके इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर 2 हो गए चेन वाले के साथ, 3 4 इस तरह से 4 हो गए। फिर 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेके फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा नेक्स्ट में डाल लेंगे। 1 2 3 3 बार निकालना है ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने। अभी यहां पर हमें 10 चेन लेनी है, इसमें 5 ली थी अब 10 लेंगे। 10 चेन लेके फिर नेक्स्ट में डाल लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 1 2 3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए 4 हो गए। अब फिर हम 5 वाला बनाएंगे, फिर 10 वाला। इस तरह से 4 पार्ट इस वाले होंगे, 4 इस वाले, 8 पार्ट बना लेने हैं इसके। 4 ये वाले, 10 चेन के, 4 5 चेन के।
तो ये देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से जुड़ेंगे बीच से और ये किनारों से। इस तरह से मैं एक और मैरून कलर का जो डार्क रेड कलर है ये वाला पार्ट बना लेती हूँ, उसके बाद उसे कैसे जोड़ना है इससे वो दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह से ये एक और मैंने सर्कल बना के तैयार कर लिया, सेम इसी तरह से बनाया है। अब हम इसे व्हाइट कलर से इसमें बनाना शुरू करेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे साथ साथ। और अगर आप सुई धागे से जोड़ना चाहें तो अलग अलग पीस तैयार करके इनके और फिर भी जोड़ सकते हैं, जैसे भी जोड़ना चाहें। तो सेम उसी तरह से व्हाइट कलर शुरू करेंगे जैसे इसमें बताया है। पांच चेन लेंगे, इस तरह से पांच चेन हो गई, चार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अभी हमें यहाँ पर चार चेन लेनी है और इसमें जोड़ लेना है। यहाँ पर पांच चेन से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें दस हैं, लेकिन फिर जोड़ेंगे तो हमें एक चेन एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाएगी, तो इसलिए मैं चार चेन ले रही हूँ। एक दो तीन चार, और नेक्स्ट में डाल लेना है, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट में डाल के। चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, अभी यहाँ पर हमें दो चेन लेनी है क्योंकि इसमें पांच है, तो हमें दो चेन लेके फिर इसमें बांधना है इस तरह से। फिर दो चेन लेंगे और नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे चार। बहुत आसानी से जुड़ जाता है ये, और अगर ऐसे नहीं जोड़ना चाहें तो सुई धागे से अलग अलग पीस बना के जोड़ लें, जैसे भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। इससे आप ब्लैंकेट बना सकते हैं, सोफा कवर, बेड शीट, टेबल मैट, थालपोश, बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर डिजाइन है। ये देखिए हो गए चार। फिर यहाँ पर हमें चार चेन लेनी है, तीन चार, और इस वाले में जोड़ लेना है। वन टू, दो चेन लेके फिर से ट्रिपल क्रोशिया डाल लेना है इसमें। तो ये देखिए इस तरह से ये बड़ी आसानी से जुड़ गया है, ये देखिए एक साइड में। अब हम ये वाला कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट ऐसा फूल बना के बीच वाला फिर इधर जोड़ लेंगे। जैसे भी जोड़ना चाहे कंटिन्यू जोड़ सकते हैं, बनाते जाएं और जोड़ते जाएं। तो ये देखिए इस तरह से इसे हमने जोड़ लिया है और कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट मैंने ये वाला फ्लावर फिर बना लिया है और अब नेक्स्ट जोड़ लेंगे इसी तरह से। बहुत ही आसान डिजाइन है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जोड़ना शुरू किया था सेम वैसे ही चार ट्रिपल क्रोशिया बना के और फिर नेक्स्ट में जोड़ना शुरू कर देंगे। फोर चेन,
इस तरह से, फिर चार चेन लेनी है और जोड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, फिर एक और बना के नेक्स्ट में जोड़ लेंगे। इस तरह से जितना साइज में आप बनाना चाहें बना सकते हैं और कंटिन्यू जोड़ सकते हैं। ये देखिए, फिर चार चेन, 1 2 3 4, नेक्स्ट में चार ट्रिपल क्रोशिए, इस तरह से। आप चाहें तो इसे कलरफुल भी बना सकते हैं, अलग अलग कलर के ये फ्लावर्स बना सकते हैं और फिर व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। सॉरी, दो चेन लेनी है अगर हमें नेक्स्ट जोड़ना है अब, तो एक चेन और ये दो चेन लेके बीच वाला जोड़ना है, तो पांच चेन का है बीच वाला, इसलिए दो चेन लेके जोड़ेंगे। और फिर दूसरी साइड में भी दो चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में बना लेंगे। चार चेन लेंगे, चार चेन लेने के बाद ये देखिए, ये मैंने दो पार्ट जोड़ लिए इसके। अब यहां पर जोड़ना है ये एक और, अब बीच में फूल बन जाएगा बहुत ही सुंदर सा। फिर चार चेन लेनी है, 1 2 3 4, चार चेन लेके पूरा कर लेंगे अब ये फ्लावर। ये देखिए, अब हम कंटिन्यू बना लेंगे, फूल को पूरा करना है। इस तरह से ये जुड़ गया है, ये देखिए, जोड़ लिया है इसे। और ये वाला फ्लावर हम अब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट और फ्लावर बना के यहां से या यहां से स्टार्ट करके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से इसे बनाते जाएंगे कंटिन्यू, जितने साइज में चाहिए। इसकी जगह आप कलरफुल भी बना सकते हैं, अलग अलग कलर में ये वाला फ्लावर, जैसे भी आप बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं, साइज में भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिजाइन कंटिन्यू जितनी साइज में चाहिए बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और आसान डिजाइन है, आसानी से बना लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।